अंतरिक्ष की दुनिया में कई कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी इसरो के लिए आज यानी 7 नवंबर एक और अहम दिन है। आपको बता दें कि आज दोपहर 3:02 पर इसरो के PSLV C-49 को 10 सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिनमें भारत का 1 और 9 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट्स शामिल हैं। बिहार में तीसरे और आखिरी फेज की 78 सीटों पर वोट डालना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि तीसरे फेज में 1204 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 1094 पुरुष हैं तो वहीं 910 महिलाएं हैं। इसी फेज में जेडीयू के अध्यक्ष रहे शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह की सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान जारी है। इनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम वोटर बहुल हैं। आपको बता दें कि कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 40-70% के बीच है। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की एंट्री से इस क्षेत्र में NDA और महागठबंधन के बीच लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। दुनिया को एक दूसरे से जोड़कर रखने वाली कंपनी व्हाट्सएप ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप से अब लोग मनी ट्रांसफर भी कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने भारत में व्हाट्सएप को UPI बेस्ड सिस्टम लॉन्च करने की इजाजत दे दी है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना को पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर दिया है। सुमैया राना ने बताया कि उनके परिवार की एक महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसे बीती रात छोड़ दिया गया है। हालांकि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, उनके घर के बाहर ही पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना को लेकर दो राज्यों की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल ट्रंप ने मिशिगन और जॉर्जिया के कोर्ट में धांधली का आरोप लगाकर मतगणना को रुकवाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके चलते ट्रंप अपनी लीगल टीम पर भड़के हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दोबारा चुने जाने को लेकर अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बाइडेन के बहुमत के करीब पहुंचने के बावजूद वो हर वो तरीका अपना रहे हैं जिससे उन्हें व्हाइट हाउस से दूर ना किया जा सके। ट्रंप के लिए जीत कितनी अहम है, उसका अंदाजा उनके हालिया ट्वीट से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो बाइडेन के हाथों हारते हैं तो अमेरिका छोड़कर कहीं और बस जाएंगे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से जुड़े केस में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विशेषाधिकार नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की वजह से अर्नब गोस्वामी को लेटर लिखने और डराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में गोस्वामी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर गुप्कर गैंग के बयानों का विवाद अभी भी जारी है। वहीं PDP अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश को प्रेशर कुकर वाला डर दिखाना भी शुरू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में कहा कि ये मुल्क बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर चलेगा, ना कि BJP के एजेंडे पर। सीमा विवाद पर भारत चीन की बातचीत के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत ने कल यानी शुक्रवार को एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच ही चीन की आर्मी की गलत हरकतों का भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। हमारा रुख साफ है, हम LAC की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने देंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।